इस सरकार के आंखों में आंखें डालकर टेबल थपथपाकर बोलते हैं, उस विचारधारा को भी नमन करना चाहूंगा। साथियों, जब स्वाभिमान की बात हो और आदिवासी के सम्मान की बात हो तो आदिवासी हमेशा एक कदम बढ़ के लड़ झगड़ के अपना गर्दन कटाने के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन अपने सम्मान को खोने के लिए कभी कतई में बर्दाश्त नहीं करता है। आज हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम संगठनों से पधारे हुए साथियों को हार्दिक जोहार, और आज इस पंडाल में हमारे अस्पूर विधायक युवा लड़ले उमेश जी को भी मैं स्वागत जोहार करना चाहूंगा। साथियों, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम सभी को कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की जरूरत है। साथियों, आज भाजपा सरकार हम लोगों को आए दिन टारगेट करके बोलती है कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, 400 प्लस सीटें लागे। तो मैं इस मंच के मार्फत कहना चाहता हूं, संविधान तुम्हारे बाप ने लिखा है क्या? संविधान हमारे पूर्वों ने लिखा है। संविधान के एक एक शब्द में हमारा लहू बहा है, और संविधान के साथ छेड़छाड़ी करोगे तो आने वाले समय में मिट्टी में मिल जाओगे। इस मंच के मार्फत से कहना चाहता हूं साथियों, और साथियों इस भाजपा सरकार के उम्मीदवार को भी कहना चाहता हूं, इतनी नीच हरकत, इतना नीच बयान देता है वो व्यक्ति, क्या वो अपने समाज का भला कर पाएगा? आज हमारे बहन बेटियों पे आरोप लगाते हैं, हमारे बहन बेटियों के खिलाफ बयानबाजी होती है, क्या है वो लोग हमारा स्वाभिमान बचा के रखेंगे? साथियों, ये भी सोचना है। और जो लोग बीजेपी में हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, अरे सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, रात को क्या पता दिन को क्या दिन क्या होता है। और हमारे कमल कांग्रेस के जो अभी खा पी के चले गए मालविया जी को क्या पता राजकुमार रोत क्या है। साथियों, मेरे बाद में बहुत सारे वक्ता है, लेकिन हमें लड़ाई लड़नी है हमारे अधिकार के लिए, हमारे लड़ाई लड़नी है हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हमें लड़ाई लड़नी है हमारे स्वाभिमान को बचाने के लिए, और हमें लड़ाई लड़नी है हमारे स्वाभिमान को बचाने के लिए। साथियों, जय जवान, जय आदिवासी, जय भीम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगली कड़ी में गौतम लाल जी डामोर अपना